नमस्कार, न्यूज लाइव mpcg.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय तिवारी। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरों पर। खरगोन में पदस्थ सहायक आदिवासी आयुक्त शकुंतला डामोर के रतलाम स्थित निवास पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा और यहां से 1.5 लाख रुपए की रकम बरामद की गई है। इंदौर लोकायुक्त के दल ने सहायक आयुक्त आदिवासी पर पदस्थ श्रीमती शकुंतला डामोर के घर पर छापामार कार्रवाई की। ये मामला आय से अधिक संपत्ति का बताया जा रहा है। शकुंतला डामोर के पति मानसिंह डामोर सैलाना के हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर हैं। लोकायुक्त टीम को उनके घर से 1.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी है। ये पूरी कार्रवाई भोपाल DGP के नेतृत्व में चल रही है। हडा थाना क्षेत्र के पटेरा मार्ग पर बोरीकला गांव के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी, जिसमें आधा दर्जन लोगों को चोट आई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दमोह के बोरीकला गांव के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी। ये बस इंद्राणी ट्रेवल्स की बताई जा रही है, जो कि पटेरा जा रही थी, तभी स्टेयरिंग फेल होने से बस अनियंत्रित हो गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन फिर भी इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए, वहीं 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। अलीराजपुर में मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के कार्यालय में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसके कारण कंप्यूटर और शासकीय दस्तावेज जलकर खाक हो गए। अलीराजपुर के मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन कार्यालय में देर रात आग लग गई, जिसमें सरकारी दस्तावेज सहित कंप्यूटर्स भी जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सुबह जब कर्मचारी कार्यालय पहुंचे तो दंग रह गए। हालांकि अभी तक नुकसान का आकलन नहीं लगाया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उसमें 2 कंप्यूटर, प्रिंटर, इसके अलावा समूह के रिकॉर्ड्स, पानी की केन, प्रिंटर, ये सब चीजें जल गई है। हटा के बड़ा बाजार में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक किराने की दुकान में आग लग गई। इस दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हटा के बड़ा बाजार स्थित एक किराना दुकान में देर रात भीषण आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यह हादसा गुरुवार देर रात हुआ, जिसके कारण कोई दमकल कर्मी मौजूद नहीं हुआ, जिसके कारण पुलिस कर्मी खुद दमकल लेकर घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी दुकान जलने के बाद ही आग बुझ पाई। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, पुलिस जाँच में जुटी है। कोरबा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CRPF के जवानों ने NTPC के दर्री इलाके में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। यहां पर स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। कोरबा जिले के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए वे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चला रहे हैं। इसी के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने केंद्रीय विद्यालय, दर्री बाजार सहित NTPC के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई की, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमांडेंट BK यमुना, सहायक कमांडेंट जयदीप चौधरी के नेतृत्व में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने साफ सफाई करते हुए रैली निकाली और स्वच्छता के प्रति संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया। इटारसी के पास ढाबा खुर्द गांव में 3 बच्चों का अपहरण करने की कोशिश की गई है। इस घटना की जानकारी स्कूल के शिक्षक ने पुलिस को दी है, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इटारसी के केसला ब्लॉक के पास ढाबा खुर्द स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल के 3 बच्चों का अपहरण करने का प्रयास किया गया। ये कोशिश घर जाते हुए बच्चों के साथ 2 बार कुछ अज्ञात लोगों ने की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। इस घटना की जानकारी छात्रों ने अपने परिजनों के साथ स्कूल प्राचार्य को दी, जिसके बाद स्कूल प्राचार्य द्वारा डोलरिया थाने में फोन कर इन दोनों घटनाओं की जानकारी दी गई। घटना के बाद से स्कूल स्टाफ और गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं कुछ परिजनों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी मना कर दिया है। फिलहाल पुलिस सभी के बयान दर्ज कर मामले की जाँच में जुटी है। स्कूल की घटना के विषय में हमारे प्रभारी महोदय के पास मोबाइल से जैसे भी सूचना गई है, इस बेस पे मुझे भेजा गया कि भाई आप जाके और ढाबा खुर्द स्कूल में जाके देखें कि बच्चों के साथ क्या घटना हुई। क्या बताया शिक्षक? यहाँ आके देखा तो यहाँ के प्रभारी महोदय बताए हैं, बोले 4 तारीख में 3rd क्लास के बच्चे के साथ ये घटना हुई कि वो जा रहा था अपने घर की ओर छुट्टी के बाद।
खरगोन में कोर्ट परिसर के अंदर खड़ी एक बाइक के अंदर सांप घुस गया, जिसके बाद वहां लोगों का जमावड़ा लग गया और लोग इस सांप को निकालने के लिए तरह तरह के जतन करने लगे। किसी ने कंडे सुलगाकर वहां पर आग जलाई तो किसी ने बाइक को सुधारने वाले मैकेनिक को बुलाकर सांप को निकालने की कोशिश की। काफी देर तक ये मजमा लगा रहा, आखिरकार काफी मशक्कत के बाद इस सांप को निकाला जा सका। देश में भले ही 5 राज्यों में चुनावी माहौल हो, लेकिन ग्वालियर की राज्य महिला हॉकी एकेडमी में हॉकी की धूम मची हुई है। यहाँ की महिला हॉकी खिलाड़ी हॉकी की बारीकियां सीखने में जुटी हुई है। ग्वालियर में इन दिनों हॉकी फीवर चढ़ा हुआ है, हो भी क्यों ना इस बार हॉकी विश्व कप जो भारत में हो रहा है, इसी के चलते ग्वालियर की महिला खिलाड़ी हॉकी की बारीकियों को सीख रही हैं, जिसके लिए कोच परमजीत सिंह ने बकायदा एक बड़ी स्क्रीन लगवाई है, जिस पर इन खिलाड़ियों को लाइव मैच दिखाया जा रहा है। साथ ही किस खिलाड़ी ने किस तरीके से खेलकर गोल किया या गोल बचाया जैसी महत्वपूर्ण बारीकियां सिखाई जा रही हैं। इस दौरान कुछ नया सीखने को लेकर खिलाड़ी भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखो, एक तो ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है इंडिया में हो रहा है और वर्ल्ड कप की लोग हमेशा इंतजार होता भी, और फिर इस बार थोड़ी होप है, अभी इंडिया की टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है। और जो सेकंड चीज़ इन बच्चों को सीखने के लिए क्या चीज़ है, अभी जितने भी वर्ल्ड कप या ओलंपिक जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं या एशियन गेम होती हैं, इसमें सब बड़ी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, और पार्टिसिपेट करने से पहले जो तैयारी करते हैं वो उनकी तैयारी या उन्होंने उसके पीछे क्या बारीकियाँ या क्यों क्या न्यू नया किया है उसके पीछे उसको देखा जाता है। जैसे इस बार आप अगर आप वर्ल्ड कप पर नोट करेंगे तो पेनल्टी कॉर्नर के गोल कम हो रहे हैं, गोलकीपिंग काफी अच्छी हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।